हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे। ये प्रश्न आपको आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, कार टी किसके उपचार का एक व्यक्तिगत रूप है। चार बीमारियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कार टी का किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। आपके दिए गए ऑप्शन में एड्स, यक्ष्मा, सिकल सेल एनीमिया और कैंसर है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कार टी के उपचार पद्धति का, तो इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले, जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होते हैं उन व्यक्तियों के ब्लड को सबसे पहले निकाला जाता है। उस ब्लड में टी सेल को डाल दिया जाता है। उस टी सेल को एक विशेष वातावरण उपलब्ध कराई जाती है जहां पर यह टी सेल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विकास कर सके, उनकी संख्या बढ़ सके। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के ब्लड को जिसमें टी सेल की मौजूदगी है उसे फिर से उस व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। जब वह ब्लड व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा उसके बाद यह कार टी के माध्यम से पहचान करने में मदद मिलेगी कि वह व्यक्ति के शरीर में जो कैंसर के सेल हैं वो किस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं या फिर विकास कर रहे हैं, और जो उस व्यक्ति की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका उपयोग करके उस व्यक्ति में कैंसर के इलाज को बढ़ाया जा सकता है, कैंसर का इलाज किया जा सकता है। यदि आपसे ये कहा जाए कि क्या कार टी के माध्यम से व्यक्ति के स्वयं के रोग प्रतिरोधक क्षमता का उपयोग करके कैंसर के इलाज को करने की पद्धति है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल है। ये कैसे है हम लोगों ने अभी देख लिया है। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने हाल ही में पहले मानव पशु भ्रूण प्रयोग को अनुमति या फिर मंजूरी दी। आपको चार देशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने मानव पशु भ्रूण प्रयोग को मंजूरी देता है। आपके दिए गए ऑप्शन में चीन, अमेरिका, जापान और फ्रांस है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे पूरे दुनिया में मानव पशु भ्रूण की प्रयोग को अनुमति देने वाला पहला देश जापान है। यदि हम बात करें मानव पशु भ्रूण प्रयोग का, तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी पशु में मानव के विशेष शरीर के अंग को विकसित किया जाएगा और कुछ समय के बाद उस विकसित मानव अंग को उस व्यक्ति में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं कि एक चूहा है और कोई ऐसा व्यक्ति है उसके किडनी खराब हो चुकी है। अगर इस व्यक्ति को किडनी चाहिए तो वो बाजार में जाएगा या फिर अपने किसी सगी या संबंधी से मांगेगा, लेकिन ऐसा संभव ना हो कि उस व्यक्ति को किडनी मिल जाए। यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति का सामना करने के लिए जो वैज्ञानिक है वो कुछ शोध कर रहे हैं, और इस शोध के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो जानवर हैं उस जानवर में एक विशेष प्रकार की स्थिति में जो जानवर का भ्रूण होता है, मान लेते हैं कि चूहे का भ्रूण, उस चूहे के भ्रूण में जो किडनी होगी उसके वास्तविक विकास को रोक दिया जाएगा, और उस भ्रूण के अंतर्गत जो कि चूहे का भ्रूण है उसमें इस संबंधित व्यक्ति के स्टेम सेल को ले जाकर उसमें डाल दिया जाएगा और उसे विशेष वातावरण में इस प्रकार निर्मित की जाएगी कि उस व्यक्ति, उस चूहे में जो आने वाले समय में जब विकास और वृद्धि होगा तो जो किडनी का निर्माण होगा वो चूहे का किडनी नहीं होगा, वो मानव का किडनी विकास होगा, और जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तब उसको कुछ समय के बाद उस संबंधित व्यक्ति में प्रतिस्थापित की जाएगी। तो इस प्रकार की तकनीकी पर काम चल रहा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए पहला सफल प्रयोग भी किया जा चुका है, ये जापान में सफल रहा है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये किस प्रकार से कार्य करेगा, किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। जो इसका पहला चरण था उसमें एक विशेष पद्धति को अपनाया गया। उसमें यह किया गया कि जो
भ्रूण होता है, चूहे का जो भ्रूण होता है उसमें क्रिस्पर कैस नाइन का उपयोग करके इस चूहे के वास्तविक किडनी के विकास को रोक दिया गया और कुछ समय के बाद उसमें जो इंसानों का प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है उसको डाल दिया गया इस भ्रूण के अंतर्गत। और उसी भ्रूण को कुछ समय के बाद जो उसकी माँ थी, यानी कि जो चूहा की माँ थी, उसमें डाल दिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि वो जो चूहा बढ़ने लगा है उसमें जिस किडनी का निर्माण हो रहा है वो चूहे का किडनी नहीं है, वो मानव का किडनी था। तो ये काफी अच्छी बात है। अगर ये सफल होता है तो जो प्रत्यारोपण से संबंधित समस्याएं होती हैं, दान किए जाने की दिक्कत होती है, उनसे निपटा जा सकेगा। तो इसे आप ध्यान में रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मानव जीनोम अनुक्रमण की हमारी समझ से सामने आ सकता है। आपको बताना है कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के वजह से कौन से लाभ हो सकते हैं। यहां पर तीन लाभों के बारे में लिखा गया है, आपको सही लाभ की पहचान करनी है। पहला कहता है सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया जैसे अनुवांशिक विकारों की पहचान की जा सकती है। दूसरा कहता है व्यक्तिकृत दवा निर्धारित की जा सकती है। तीसरा कहता है सामान्य कैंसर के उपचार विकसित किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, यदि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस सफलतापूर्वक किया जाता है तो उसके बाद किसी भी अनुवांशिक विकार की पहचान करना आसान हो जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार के रोग को इलाज करने के लिए दवा बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके माध्यम से जो कैंसर होते हैं जिनको उपचार करना काफी मुश्किल होता है उनको भी आसानी से उपचारित किया जा सकेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यदि हम बात करें ह्यूमन जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीनोम क्या होता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसमें कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं और उसी अनुवांशिक पदार्थ को जीन कहा जाता है। ये एक ऐसा अनुवांशिक पदार्थ होता है, एक ऐसा जीन होता है जो किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जो व्यक्ति के अंतर्गत या फिर जीवों के अंतर्गत डीएनए में जीन होते हैं उन्हीं का अनुक्रमण करना, उन्हीं का सीक्वेंसिंग करना जीनोम कहलाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा अब तक जानकारी है कि एक मानव में संभवतः 80,000 से लेकर 1,00,000 तक जीन पाए जाते हैं। जो जीन का अध्ययन किया जाता है उसे जीनोमिक्स कहा जाता है। अगर हम बात करें जीनोम अनुक्रमण का, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग का, तो इसके अंतर्गत डीएनए अणु के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड अम्ल होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती है। किस चीज का सीक्वेंस होता है? चार तत्वों का सीक्वेंस होता है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इन सारे सीक्वेंस के मिलने के बाद एक जीन का निर्माण होता है। यदि इस जीन को समझ लिया जाए तो किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, चाहे वो बीमारी अनुवांशिक ही क्यों ना हो। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें भारत की स्थिति में, फ्रेंड्स, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक परियोजना चलाया जा रहा है जिसमें 20,000 भारतीयों के जीनोम का सीक्वेंसिंग किया जाएगा, ताकि इन व्यक्तियों का या फिर इससे संबंधित जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उन लोगों में अनुवांशिक बीमारी या फिर कैंसर इत्यादि बीमारियों का उपचार ढूंढा जा सके। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आप सारी बातों को याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, जीन चालित तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर दो कथन दिया गया है, आपको बताना है कि जीन चालित तकनीक के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला कथन क्या कहता है। पहला कथन कहता है यह माता पिता से संतानों को विरासत के नियम को बदल सकता है।
हमने अभी अभी देखा कि जीन यानी कि अनुवांशिक गुण के अंतर्गत कुछ ऐसे जेनेटिक गुण होते हैं जो अपनी माता पिता से उसके संतानों में स्थापित होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं या फिर जाते हैं। अब यहां क्या कहता है कि जीन चालित तकनीक एक ऐसी तकनीक है जहां माता पिता से संतानों को विरासत में मिलने वाले नियम को बदला जा सकता है। मतलब यदि माता पिता का जैसा नाक है उसके नाक को आप जैसा चाहते हैं वैसा बदल सकते हैं, आप चाहते हैं कि उसका पैर कैसा हो उसके पैर को आप बदलवा सकते हैं, आप चाहते हैं कि उसके दिमाग कैसा हो तो उसके दिमाग में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। कौन से तकनीक के माध्यम से? जीन चालित तकनीक के माध्यम से, ऐसा पहला कथन बता रहा है और ये बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान रखेंगे याद करेंगे। अगला क्या कहता है, तकनीक के उपयोग से वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। वेक्टर जनित रोग ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज मुश्किल होता है, वो अनुवांशिक रूप से होते हैं, व्यक्ति पर व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। तो यदि ऐसा रोग होता है तो उनको इलाज करने में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि इसका सफल प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। तो फ्रेंड्स, जीन चालित तकनीक का उपयोग क्रिस्पर कैस9 का जीन एडिटिंग टूल का उपयोग करके मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छरों पर इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें किया क्या जाता है कि जो मलेरिया होते हैं उसमें दो प्रकार के जो मच्छर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नर एक मादा। जो मादा होती है वही सामान्यतः खतरनाक होती है मच्छर के मामले में। तो यदि ऐसा है तो क्या किया जाएगा कि जो मादा मच्छर है उस मादा मच्छर को यदि निष्क्रिय कर दिया जाए या फिर उसके अंडे जो दिए गए हैं उन अंडों को ऐसा कर दिया जाए कि उससे नए मच्छर न निकले, या फिर ऐसा कर दिया जाए कि जो मच्छर है उसने अंडे तो दे दिया है लेकिन अंडों से सेने के बाद उसको अंडों से मच्छर को निकलने के लिए उसको सेना पड़ेगा। यदि वो सेने के बाद मच्छर वहां से निकले ही नहीं तो फिर जो मलेरिया के मच्छर हैं, जो मादा मच्छर हैं, उनका विकास नहीं हो पाएगा और मच्छरों की संख्या बढ़नी रुक जाएगी। तो इसमें किया यही जाता है कि जो मादा मच्छर होती है उसको इस प्रकार से उसके अनुवांशिक गुण को चेंज किया जाता है कि वो या तो अंडे ही ना दे पाए, यदि अंडे दे दिया है तो उसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि वो जाकर किसी अंडे के ऊपर बैठेगी तो उस अंडे में एक प्रकार का कवच निर्मित हो जाएगा और वो कवच कभी टूटेगा ही नहीं, और जब कवच नहीं टूटेगा तो उससे मच्छर नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, उसके अनुवांशिक गुण को ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, अभी ये मच्छरों पर किया गया है, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है कि इसे मानव में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय स्टेम सेल रजिस्ट्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है, यह मतलब नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री, इसके बारे में बताता है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है। गलत है, क्योंकि नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निर्मित किया गया है, यानी कि पहला गलत हो जाता है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय स्टेम सेल रजिस्ट्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्या कहता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए नामांकन करने वाला व्यक्ति स्वतः ही राष्ट्रीय स्टेम सेल रजिस्ट्री में नामांकित हो जाएगा। गलत है, इस रजिस्ट्री में शामिल होना व्यक्ति का स्वैच्छिक अधिकार है। मतलब आप चाहते हैं कि इस रजिस्ट्री में अपने आप को शामिल करें तो आप करेंगे, यदि आपको मन है कि नहीं मैं नहीं करूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है या फिर नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्या कहता है, यह रक्त से संबंधित विकारों के रोगियों के इलाज करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि नेशनल स्टेम सेल रजिस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कैसा है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि नेशनल
स्टेम सेल रजिस्ट्री क्या है? हुआ ये है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में एक प्रकार की रजिस्ट्री का निर्माण किया गया है, एक प्रकार के कोष का निर्माण किया गया है। उसमें जो व्यक्ति हैं वे लोग अस्थि मज्जा को जमा करवाएंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका अस्थि मज्जा को आप डोनेट कर दें तो आप उसे डोनेट कर सकते हैं और उसको यहां पर, यानी कि जो निर्मित किया गया है एक कोष, एक रजिस्ट्री, वहां पर आप जमा करवा सकते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे ही 100,000 लोगों ने अपना स्टेम सेल को डोनेट कर दिया। अब इसका किया क्या जाएगा फ्रेंड्स? कुछ ऐसे अनुवांशिक रोग होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप झेल सकते हैं, उस बीमारी को आप, उसके दर्द को, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसको कभी समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि रक्त कैंसर, जैसे कि थैलेसीमिया, या फिर एनीमिया, या फिर हेमोफीलिया, ये वो रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। इन सब रोगों में क्या किया जाता है कि जो ब्लड कैंसर है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, तो उसके प्रकोप को, उस व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए उसके रक्त को कुछ समय के बाद में पलटा जाता है, यानी कि उसके रक्त को ही चेंज कर दिया जाता है। तो ये पद्धति अपनाई जाती है इस व्यक्ति को याद जिंदा रखने के लिए। अब अगर ऐसा हो जाए कि जो पीड़ित व्यक्ति था जिसे रक्त कैंसर था, उसमें जो रक्त का निर्माण हो रहा था, उसके रक्त के निर्माण की पद्धति को ही बदल दिया जाए, और ये कब संभव है? जब उस व्यक्ति के अस्थि मज्जा को हटा दिया जाए। और वो हटाएंगे कब? जब उसको हटाने के लिए कोई डोनेट करेगा। अब उसको कहां से लेके आएंगे? तो ये एक रजिस्ट्री बनाया गया है। यदि ऐसा होता है कि इस पीड़ित व्यक्ति में जो ब्लड व्हाइट ब्लड सेल है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, और जो रजिस्ट्री में कोई एक स्टेम सेल है उसमें जो गुण है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का गुण, यदि इसका और इसका दोनों का बिल्कुल मैच कर जाए, तब इस व्यक्ति में उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और अगर इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसको यहां पर लगा दिया, तो इस व्यक्ति में हमेशा हमेशा के लिए ब्लड कैंसर समाप्त हो जाएगा। तो आपने इसे समझ लिया ये कैसे काम करता है? तो आप इसे ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है मंत्रालय कौन सा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, स्वैच्छिक है नहीं है, कौन से बीमारियों में यह कार्य कर सकता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।